हेलो व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्सिंग Y30। आप जो पाकटेल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं वो वीवो का Y30 है। इसको हम फाइनली अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले हमारा यूट्यूब जो पाकटेल चैनल है इसको सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और नोटिफिकेशन आती रहे। और साथ ही हम इसके साथ ही जो आज का लेटेस्ट मोबाइल है Y31 उसको भी साथ साथ हम रखते हुए इसके साथ चलेंगे और बताते जाएंगे आपको इसमें उसमें क्या डिफरेंस, क्या बॉडीज डिफरेंट है, क्या क्या चिपसिटी इस्तेमाल की गई है। तमाम इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली हम इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं। शुरू करते हैं बकरे दो बेच बिस्मिल्लाह। मैं बकरा नहीं कर रहा हूँ, आपको मन में तो नहीं आ रहा। तो फाइनली हमने इसका वेपर उठा लिया है। आज इसको हम अनबॉक्स करेंगे, इसका वेपर रखते हैं, इसको साइड पर फेंकते हैं और फाइनली डिवाइस को ओपन करते हैं मोबाइल को और हम देखते हैं कि हमें डिवाइस में यार थोड़ा सा जोर लग रहा है जी। तो फाइनली हमने अनबॉक्स कर लिया है इसको और इसके साथ हमें एक देखने को क्या मिलता है, ये तो मिल ही जाता है। आपको पता है ये बैक केस है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आता है। अच्छा है, गुड गुड, थैंक यू व्यू। और इसके बाद हमें देखने को फाइनली नीचे डिवाइस मिल जाती है और हम डिवाइस देखते हैं। देखते हैं, ये देखो हैं डिवाइस ब्लैक कलर में है, बहुत अमेजिंग है, बड़ी अच्छी डिवाइस है। और हम इसको साइड पे रखते हैं, बाकी डिवाइस होने के बाद देखते हैं। और इसके साथ हमें जी एक अडाप्टर चार्जिंग मिल जाता है 18 वाट का फास्ट चार्जर और उसके साथ एक केबल मिल जाती है टाइप सी चार्जिंग के लिए। और इसके अलावा हमें बॉक्स में और कुछ नहीं देखने को मिलता। हमने जब लास्ट टाइम अनबॉक्सिंग किया था Y31 जो लेटेस्ट आने वाला है, इसकी अनबॉक्सिंग हमने की थी पिछली वीडियो में। अगर आप रिव्यू देखना चाह रहे हो आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। तो इसके साथ हमें फाइनली हैंड फ्री मिली थी और इसमें हैंड फ्री नहीं है। बाकी इसके लुक का आगे देखते हैं, हम जैक लेके हैं आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी क्या हमें देखने को मिलता है। हमारी डिवाइस फाइनली ऑन हो गई है, हम इसका वेपर उठाते हैं और हम इस डिवाइस के अपनी को सेटअप की तरफ बढ़ते हैं और हमें सेटअप करने के बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। फाइनली हमारी डिवाइस वेयर्स ओपन हो चुकी है और हम अब इसकी साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलता है एक वॉल्यूम बटन मिलता है और उसके साथ एक पावर की मिलती है और इसके साथ कुछ नहीं। नीचे हमें स्पीकर मिलता है, टाइप सी चार्जिंग स्पॉट मिलती है, मैक मिलता है और इसके साथ हमें कुछ नहीं मिलता। और इसके साथ दूसरी साइड भी देखें तो कोई भी नहीं है। एक सिम की जैकेट दी हुई है जिसमें दो सिम एक SD कार्ड लग सकता है और हमें ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं दिया गया और इसमें ख़ास नहीं है, बस यही चीज़ें दी गई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। और 3 जो जैक ऑडियो जैक 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। तो ओवरऑल डिवाइस है, मुझे सेट की बहुत प्यारी लगी है और जो इसका स्टाइल लुक है, ये जो न्यू आने वाली इस डिवाइस है उससे मुझे तो बेहतर लगा। बाकी आपको आपके डिपेंड करता है कि आपको इस पे कैसा लगा और कैसी लुक लगी है। और ये कुछ थे जो पीछे वाला हमारे जो लेटेस्ट डिवाइस है उसमें हम देखते हैं तो उसमें भी सेम सिचुएशन हमें मिलती है यही, लेकिन उसमें सेम जैक ऊपर की तरफ दे दिया गया है, इस पे साइड की तरफ दे दिया गया है, बाकी तकरीबन सेम है। कैमरे में फ़र्क है और थोड़ा सा इसके कैमरे में स्टाइल में फ़र्क है और बाकी सेम ही है तकरीबन।
तो हम दोनों के कैमरे की डिफरेंस के देखें तो हमारे पास जो कैमरा है इसमें 48 मेगापिक्सल है और 2 मैक्रो मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है और उसके साथ 2 डेप्थ सेंस किया दिया गया 2 मेगापिक्सल का। और हमारे साथ जो Y30 है उसमें हमें दिया गया है एक कैमरा 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल दिया गया, 2 मेगापिक्सल इसका भी डेप्थ सेंस दिया गया है। और जो इसके फ्रंट में बात कर लें तो दोनों के सेम ही 8 मेगापिक्सल के कैमरे हैं। और बाकी इसके कैमरे के अगर आप फुल रिव्यू दोनों में देखना चाह रहे हैं, ऊपर आई बटन दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करके आप इसका दोनों को कैमरे की जो फुल रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। इसे मीडिया टाक हीलो P35 इसमें चिपसेट लगाया गया है जो ये जो हमारे पास Y30 है इसमें। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो आपके सामने आप देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग ब्लैक में बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पे बेहतरीन जो क्वालिटी मुझे लग रही है ये प्लास्टिक बॉडी है हमारे पास, ये देखें प्लास्टिक बॉडी है ये हमारे पास, लेकिन बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही प्यारी बॉडीज है हमारे पास जो इसकी देखा जाए। बाकी ओवरऑल ठीक है मोबाइल डिवाइस, ये ठीक थी अपने बेहतरीन। अब हम जो इनकी लेटेस्ट डिवाइस आई है उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने जो डिज़ाइनिंग इसकी निकाली है बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग निकाली गई है। अगर इसके हम चिपसेट की बात कर लें तो इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है स्नैपड्रैगन P662 इस्तेमाल किया गया है और इससे ये प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल है जो लगा दिया गया है। बाकी इसकी SSD और RAM एक ही तरीके से लगा दी गई है, लेकिन इसकी जो हम देखें इसका स्टाइल, इसके कैमरे की लुक जो है न्यू लुक में आ जाती है, एक न्यू डिज़ाइनिंग में आ जाती है इसकी। अब हम फाइनली इसकी जो LCD डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, दोनों के डिस्प्ले का क्या रोल है, कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। ये दोनों ही डिस्प्ले LED डिस्प्ले हैं। हम बात करें इसकी जो इसमें पैनल दिए गए हैं, हमें डिस्प्ले दिया गया है वो अगर हम Y30 की बात करें तो इस पे हमें 6266 का दिया गया है PPI का जो डिस्प्ले दिया गया है। और अगर हम लेटेस्ट जो Y31 इसकी बात करें तो हमें इसका दिया गया है 401 PPI डिस्प्ले दिया गया है, जो कि पहले हमारे पास Y30 और Y31 में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। कोई खास मुझे इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ डिस्प्ले कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। बाकी टच स्वूप सेम है, सेम मज़ा दे रहे हैं, सेम ही इनकी क्वालिटी है, लेकिन कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर मेरे कैमरा आपको दिखा सके दोनों में डिफरेंस, जो लुकिंग वाइज ठीक है, हर इंसान की अपनी होती है, कैमरे वाइज आपको भी हमने बता दिए हैं जी भैया। हमने Y30 का आपको मुकम्मल रिव्यू दे दिया और आपको ये भी बता दिया है कि Y31 में और Y30 में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, हमने तमाम इन्फॉर्मेशन दी भी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लें। अगर आपके मन में कोई कमेंट्स है Y30 के बारे में या Y31 के बारे में, मुझे अपनी राय कमेंट्स बुक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को प्लीज लाइक कीजिएगा आपको, ताकि ऐसी वीडियो नोटिफिकेशंस वक्त पर आते रहें और ऐसी न्यूज अपडेट हर तरह के हम अपडेट आपको अपडेट देते रहेंगे मोबाइल के रिलेटेड। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पेज हमारा लाइक करना ना भूलिएगा। अपने उस्ताद में अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।